क्या लगता है आपको, जो हार हुई है क्या वजह रही? कोई फैक्ट समझ में आ रहा है कहाँ चूक हो गई? जनता ने मेरा काफी साथ दिया और मैं अपनी ओर से क्षेत्र के मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनका स्नेह पूरा मिला, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ रहीं, हालात रहे। एक तो कास्टिज्म की भावना बहुत ज़ोर से उभर के आ गई। 70,000 आदिवासी मतदाता थे और कुछ ऐसे वर्ग जो राजनीति में आगे जाना चाहते थे, उन वर्गों ने लंबे समय से राजनीति में रहने के कारण विरोध किया। और कुछ ऐसा लगता है कि जो साथ में रहे आपके, कहीं उन्होंने तो डैमेज करने की कोशिश नहीं की? साथ में तो चलते रहे कि हम आपके साथ में हैं, आपके साथ में हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको लगता रहा कि आप उनके लिए आगे परेशानी खड़ा करेंगे। हो सकता है एक कारण ये भी? हाँ, ये भी एक कारण हो सकता है। क्या 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 लगता है आपको? जो आपने कहा है वह भी एक कारण है। मुझे सर नीटू से करवा रहे हैं, वो कहते हैं कि हम लोगों ने कोशिश करी है। आपको क्या लगता है कि उन लोगों से कुछ फैक्ट नहीं, फर्क उन पड़ा? लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ा, ना उन लोगों के से कोई अंतर आया, ना कांग्रेस की रणनीति के तहत अंतर आया। तो स्वतः ही, क्योंकि 70,000 आदिवासियों के बीच का मतदाता होने के कारण, और जैसा कि मैंने कहा, जिन्हें लगा कि इनके भाजपा में आने के बाद भाजपा में वो उभर नहीं पाएंगे, उन लोगों की वजह से ये सब हुआ। तो लगता है कि अब इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष से आप बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे, क्योंकि कोशिशें लगातार वो भी पहले दिन से करते रहे थे, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद अगर वो मांगेंगे तो मैं रिपोर्ट बना के दूंगा। अपनी तरफ से भी आप करेंगे? अपनी तरफ से जो होना था हो गया, अपनी तरफ से क्या करना।